हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। तो आज है संडे, कल था सेकंड सैटरडे, तो 2 दिन की हमारी छुट्टी थी। तो ये मेरे कल कपड़े धोए थे, तो इनकी अब तय करनी है। और ये सारा काम पड़ा है अभी, तो मेरा सुबह का सारा ही पड़ा है क्योंकि बच्चे उठे नहीं हैं। और उसके बाद मैंने फिर लंच बना के तैयार रखा। लंच क्या, बस आटा लगा रखा था और छोले उबाल रखे थे। जब उठेंगे, जब खाने छोक के खाना बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने छोले उबाल रखे थे, बस छोकने रह रहे थे इनको। और फिर पानी नहीं आया था, मैंने पानी आ गया था, फिर फटाक से पानी भरा, मशीन में भर लिया था क्योंकि शाम को मशीन लगानी थी। और उसके बाद मैंने फटाक से अपना काम ख़त्म करा, सारा ऊपर का क्लीन कर दिया, जितना ऊपर है इतना ही नीचे है। उसके बाद मैं नीचे गई हूँ, नीचे जाके मैंने पूरा क्लीन करा है, झाड़ू पोछा सारा साफ़ किया है। और फिर मैंने मेरा नहाना रह रहा था क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था, 1 बज गया था। 1 बजने के बाद मैंने जिसको खाना खाना देना था दे दिया, खाना खिला के मैं गई, नहाने जाना था मुझे। तो मैं अब मिलती हूँ आपको गाइस नहाने के बाद। और मेरा ऊपर का हो चुका है, मेरा नीचे का भी हो चुका है, अभी सब मेरा नहाना रह रहा है। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। ओके, बाय बाय। तो गाइस यहाँ आ चुके हैं हम नहा के, तो मैं आके यहाँ पे नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, पर मैं पहले मुझे अपने बाल सीधे करने हैं, स्ट्रेट करने हैं। तो मैंने लगाई मशीन और अपने बाल सीधे करे क्योंकि उसके बाद मुझे टाइम नहीं लगता खाना खाने के बाद, तो आलस आ जाता है, तो मुझे तब नहीं करती मैं, इसलिए मैंने पहले ही कर लिए। इसलिए आप बताना गाइस कैसे लगे मेरे बाल आपको। मैंने अभी मीशो से ऑर्डर करके मंगाई थी ये मशीन, तो काफ़ी अच्छी थी और जैसे चाहिए थी ऐसी थी। क्योंकि मेरे को मैंने काफ़ी चीज़ें मंगा रखी हैं, मुझे तो पूरा यकीन है मीशो पे, जो मैं मंगाती हूँ मेरे लिए मैं तो वो ही आता है। तो ये देखो गाइस, लेकिन बाल स्ट्रेट करने के बाद गाइस लगता है कि बाल हमारे बहुत लेंथ बहुत लंबी है, क्योंकि वैसे तो हम रोज़ डेली में ऐसे ही लपेट लेते तो छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन आज मैंने बाल सीधे करे तो मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा कि मेरे बाल इतने लंबे हैं, लेंथ ज़्यादा अच्छी है। तो बताना गाइस आपको कैसा लगा। मैंने थोड़ा सा हल्का सा मेकअप कर लिया है गाइस, क्योंकि सारा दिन घर में पड़े पड़े मेकअप भी नहीं होता। उसके बाद मैंने खाना खाया, क्योंकि घर में तो पड़े रहो, बस नहाना धोना, फिर कहीं जाना नहीं, तो मेकअप की तो ज़रूरत ही नहीं होती। तो थोड़ा सा हल्का सा टच के लिए कर लिया कि मैं नहाई थी, लगे कि हाँ मैं नहाई हूँ, लेकिन मेरी शक्ल है नहीं कि मैं नहाई हूँ, लगता नहीं, मेरी शक्ल बहुत गंदी है। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ गाइस, तो आ जाओ गाइस खाना खा लीजिए, मैं तो अब खाना खाने जा रही हूँ। ओके, तो उसके बाद बस शाम के 6 बज गए गाइस, मैं तो खाना खाते ही सो गई थी क्योंकि थक गई थी, मुझे नींद आ गई थी खाना खाने के बाद। उसके बाद देखा तो 6 बज चुके थे, 6 बजने के बाद मैंने उठी तुरंत। उठने के बाद मैंने चाय रखी गैस पे फटाक से, क्योंकि 6 बज चुके थे, सबको चाय पीनी थी। फिर मैंने खाने का भी टाइम था, तो खाने की सोची कि अगर चाय बनाते टाइम खाना खाना क्या बनाना है, पर कन्फ्यूज़न सबसे बड़ी तो यही होती कि खाने में क्या बनाए क्या बनाए। तो लेकिन मैं आज कन्फ्यूज़ नहीं थी क्योंकि सुबह के छोले बचे हुए थे, तो मैंने उसको ही चाय बनने रख दिया था। उसके बाद मैंने छोले चेक करे, देखा तो छोले काफ़ी थे, तो वो सबके लिए हो जाते। तो मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चे तुम्हें क्या खाना है, तो बच्चे ने बोला मम्मी हम छोले भटूरे खा लेंगे, लेकिन हम छोले के साथ रोटी नहीं खाएंगे। बस ठीक है, मैंने फिर तुरंत आटा लगाया उस भटूरों का, और मैंने दोबारा फ्राई कर चुकी थी छोले, तो मैंने अदरक कढ़ाई रख चुकी हूँ और मैं आटा बनाने लगी। भटूरों का आटा बनाया और मेरे को फिर शाम को सब्जी नहीं बनानी पड़ी क्योंकि काफ़ी छोले थे, वो ही काम आ गए थे सबके। उसके बाद मैंने थोड़ी सी चटनी बना ली थी। 10-5 मिनट के लिए रख दिया था, लेकिन टाइम
जब मुझे पता चला ना तो ये बच्चे की खा लेंगे, तो मैंने तुरंत फिर छोले भटूरे का आटा लगाया और इसको मैंने ढक के रख दिया 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने तुरंत फ्राई कर दिए थे छोले दोबारा, और कढ़ाई रख चुकी थी मैं। अब मैं भटूरे बनाने लगी क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी, और छोले भटूरों का तो नाम सुन के बच्चों को वैसे भी भूख लगती है ये बच्चे भी खुश हो गए थे भटूरे खा के। सुबह तो रोटी बनाई थी भटूरे के साथ, और अब मैंने सुबह तो छोले के साथ, सॉरी गाइस, मैंने रोटियां बना दी थी, तो उनको अब रोटी खानी नहीं थी छोले के साथ, तो उन्होंने सोचा कि मम्मी को क्यों ना दुखी परेशान किया जाए और हम छोले भटूरे बनवाएं, इसलिए फिर मैंने भाई भटूरे बना दिए। तो गाइस घर में मतलब इतने टेस्टी बने थे, इतने नरम नरम, जो बाहर खाते हम खिचे, इतने नरम थे खाने में। मैंने उसमें दही डाली थोड़ी सी और रिफाइंड डाल दिया था आटे में बनाते टाइम, तो इतने सॉफ्ट थे, इतने सॉफ्ट थे कि बहुत टेस्टी लगे थे। बच्चों को भी पसंद आए, बच्चों ने भी खाए पेट भर के, और मेरा भी मन खुश हो गया क्योंकि मुझे शाम को खाना बनाना नहीं पड़ा, सब्जी ज़्यादा बनानी नहीं पड़ी, उसमें ही काम चल गया था। तो गाइस देखो गाइस घर के भटूरे कितने अच्छे हैं। गाइज आपको बताना छोले भटूरे कैसे लगे और आज का ब्लॉग कैसे लगा, तो गाइज कमेंट शेयर लाइक कमेंट जरूर करना प्लीज़ गाइज, सपोर्ट मी। और अब हम मिलते हैं, ओके बाय।